Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. UPSC की तैयारी कराने वाले राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से अपने 3 साथियों को खो देने से गुस्साए स्टूडेंट्स ने रविवार को दिन भर प्रदर्शन किया। नाराज स्टूडेंट दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी और महापौर शैली ओबेरॉय को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पहले ओल्ड राजेंद्र नगर के सतपाल भाटिया मार्ग पर प्रदर्शन चला। बाद में जब मंत्री नहीं पहुंची तो आक्रोशित छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पूसा रोड को जाम कर दिया। न्याय चाहिए, छात्रों का जीवन मैटर करता है, ये हादसा नहीं हत्या है, MCD हाई है, जैसे नारे भी प्रदर्शन के दौरान सुनने को मिले। हम यहाँ पर 10x10 के फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे हम 25,000 रुपए पे करते हैं, 2.5 लाख वन टाइम में पे करते हैं। सर हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है, सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते। सर जिन 2 छात्राओं की कल मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से। सर मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, मैंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुना था, आज देख लिया ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं। हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए, क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई, उनकी क्या गलती है सर? Even nobody is here to listening to us. हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, हम लोग कोई criminals नहीं है, please at least talk to us. सर हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए, जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है, जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है ये सब चीजें खत्म करें, एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करें सर, सिंपल सी डिमांड है। और हमें सबसे पहले बताएं कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है, बच्चों ने देखा है, बच्चों ने देखा यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं। इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से RML के बाहर खड़े, उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दी गई है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है दैट वी आर एन एस्पिरेंट, दैट्स इट। पुलिस के पास आधे से 1 घंटे का टाइम है, हम 24 घंटे से परेशान हो रखे हैं, हम फिर ये बैरिकेड तोड़ के बाहर जाएंगे, लाठीबाजी होगी, हम सहलेंगे, पर ये हम नहीं सह सकते। आधे से 1 घंटे का टाइम दिया है पुलिस वालों को, ये बैरिकेड तोड़ेंगे, उसके बाद ये बात सुन लो पुलिस वालों, आप जितने भी हैं फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट अस तो कर दीजिए, यहाँ पर किसी दिल्ली के लोगों का सवाल नहीं है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, 10 लाख UPSC एस्पिरेंट है सर, सब पे कंप्लेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि BJP आम आदमी पार्टी मिली हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और बच्चों को न्याय दे, ये जो यहाँ बच्चे हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ये हम चाहते हैं प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत संज्ञान ले इस मामले में और इन्हें जेल भेजे। इट वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर, आज दोपहर तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेज यहाँ पर आए हैं, एक एक स्टूडेंट से जो पूछा गया है, इट्स ऑलरेडी आउट इन द एयर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द UPSC कोचिंग सेंटर, राव स्टडी सर्कल है उसका नाम। तो इन सारी नेग्लिजेंस के कारण जितनी भी डेथ्स हुई है, एक तो उनका टोल जो है वो हम लोगों को रियल नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है, we speculate that the number which is reported is quite fake, so that हमारा जो आक्रोश है वो बंद रहे या कम रहे, हम ज़्यादा ना फटे, maybe that's why they are not revealing us the true numbers, but यही हुआ है कि I would say कि एक aspirant की ही डेथ नहीं हुई है, एस्पिरेंट्स की ही डेथ नहीं हुई है, विद दोज एस्पिरेंट्स आई थिंक समवेयर इवन आर फेथ हैज़ डाइड, आर फेथ इन द सिस्टम हैज़ डाइड, आर फेथ इन द मेंटर्स जिनको हम हमारे टीचर्स मानते हैं और जिनके पास हम इतने भरोसे से आते हैं, समवेयर आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन डिसमेंटल्ड।